उत्तराखंड से एक बड़ा विचित्र मामला सामने आया है, जहां एक युवक अपने अंतिम संस्कार के 7वें दिन जीवित लौट आया। युवक के जीवित लौटने से उसके परिजन बेहद खुश हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिसका अंतिम संस्कार किया गया वो फिर कौन था? अपने अंतिम संस्कार के 7वें दिन मृतक युवक जिंदा सबके सामने आ गया। खटीमा के ग्रामीण क्षेत्र श्रीपुर बिचुआ के रहने वाले नवीन भट्ट बीते 1.5 साल से अपने घर से लापता थे। 7 दिन पूर्व नवीन के पिता धर्मानंद भट्ट को सूचना मिली कि उनके पुत्र नवीन भट्ट के डेड बॉडी सुशीला तिवारी अस्पताल में है। खबर को सुनकर परिवार में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिवार नवीन की डेड बॉडी को घर ले आए और नवीन के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके 7वें दिन नवीन के भाई को परिचित से नवीन के जिंदा होने की सूचना मिली, तो फिर घर वालों के होश उड़ गए। घर वालों ने वीडियो कॉल के जरिए जब नवीन से बात की, नवीन रुद्रपुर के एक होटल में काम कर रहा था और वो 1.5 साल से परिवार के संपर्क में नहीं था। नवीन को अपनी आंखों के सामने जिंदा देख सभी परिवारजन एवं ग्रामीण अचंभे में पड़ गए। सर, मैं घर से चले गया 1-1.5 साल से। मेरे से घर से कोई संबंध नहीं, कोई ताल्लुका नहीं था। मैं काम करता था पहले, इससे पहले भी घर बीच से घर में आया था, फिर दोबारा चले गया। 1.5 साल से कोई महत्व नहीं था घर से। फिर मैं वहाँ काम करता था, तो मैं काम करता था होटल पे, तो वहाँ किसी ने अफवाह फैला दी कि ऐसी ऐसी बात है। उनसे बोला, नवीन तुम तो मर गया। मैंने कहा, नहीं भाई सर, मैं तो मास्टर, मैं जिंदा हूँ। बोला, नहीं तुम्हारे उससे तो ऐसी ऐसी बात हुई है, गाड़ी गई है कंपनी। मैं, नहीं सर, मैं तो यहाँ हूँ, कंपनी क्यों जाएगी। बोला, तेरी जिंदा है। फिर मेरे सर ऐसे कहते। मैंने कहा, ऐसे के दूसरे के कितने नाम के होते हैं, या एक दो नाम के होते हो, कुछ दूसरा हो, हम तो जिंदा ही हैं। तो फिर उनसे मैंने बोला, तो फिर 5वें 6वें दिन मेरे भाई वहाँ दुकान लगाता है चाय पानी की, तो उसके दोस्त रहते हैं, तो उनके दोस्त ने मेरे वहाँ खाना खाने आते थे, तो उनने खाना खाया, तो उनने बोला, नवीन तो यहाँ रहता है। तो खाना खा के आए, बोला, नवीन तो उधर होटल पे है। फिर उनने किन्ने 7वें दिन फोन, 7वें दिन मैं काम करता था उधर होटल पे, मैं खाना देने गया, तो वो 2 आदमी मेरे को ढूंढने के लिए आए थे। तो ढूंढने के लिए आए थे होटल पे, मेरे उस्ताद ने बोला, नवीन तेरे को ढूंढने के लिए आ रखे हैं। मैंने कहा, कौन? मैंने कहा, कोई गलत काम नहीं किया, क्यों आएंगे ढूंढने? तो उनने फिर मेरे को दिखाया, बोला, ये फोटो है, तो यहाँ है, मैं इसको पहचानता। मैंने कहा, इसको मैं पहचानता नहीं, इससे कोई मेरे संबंध नहीं, ताल्लुका नहीं, तो मैं होटल में काम करता हूँ, इससे क्या मतलब करें। मैंने कहा, इसका शरीर वो देखो, मेरा देखो, मैं वही कह के चले गया। फिर उसने मेरे से बोला, ये है। फिर मेरे को दिखा, तेरा तो वही घर में संस्कार हो रहा है। तो मैंने फिर मेरी मम्मी से मेरे को वीडियो कॉलिंग करके बात करवाया। फिर मेरे को देखा सर, उसी टाइम मेरे को सूचना मिली, तो फिर मेरी मम्मी लोगों ने ऐसे कार बेच के मेरे को वहाँ से, फिर मैं उसी टाइम में वापस रुद्रपुर मेरे भाई लोग लेने मेरे को ले आए वहाँ से। नवीन को जिंदा देखकर उसके बूढ़े माता पिता एक तरफ तो खुश हैं कि उनका पुत्र जिंदा है, परंतु उन्हें इस बात का अफसोस भी है कि किस्मत में उसके साथ कैसा मजाक किया। ये सवाल सबको खटक रहा है कि उन्होंने जिसका अंतिम संस्कार किया वो नवीन का हमशक्ल कौन था। उस दूसरे व्यक्ति के लिए भी उनके दिल में हमदर्दी है। मेरे को तो अभी अच्छा ही लगा है, बाबू मेरा बेटा मेरी छाद है, मतलब इसी शक्ल से वहाँ मिली, तो उस समय ले आए उसको, उसका अंतिम संस्कार जैसे करते हैं करा हमने। तो 7 दिन मेरा लड़के का फोन आया, वहाँ से वीडियो कॉल करी किसी ने, छोटे वाले ने कहा इधर आओ। हमने कहा क्या है, वो तो जिंदा है, कहाँ से अरे तू ऐसी बात क्यों करता है। फिर उसने इधर उधर करके वीडियो कॉल करी, तो इसकी फोटो दिखी उसमें। मैंने कहा नवीन, हाँ कहा, इसने मेरे से पहला ईजा कहा मैंने, बाबू तूने क्या हुआ है, तू तो मर गया, हमने तो ये तेरे लड़के की फ़ोटो दी, ऐसे बाल हाल काट के ये घर में बैठे हैं, ऐसे कहा। फिर इसने वो फोन में बात नहीं की, तेरे को पता नहीं था मेरा लड़का कहाँ है, शक्ल कैसी है करके। तो बाबू मैंने कहा वही था, वही शक्ल थी, तब हम लाए, नहीं तो क्यों लाते हम। फिर हम घर लाए, सब कुछ करा बाबू उसका। फिर शाम को ये घर आने को बोला, तो कोई घर से गए कार लेके, इसका भाई गया, 2-3 बगल के गए, इसको उठा के घर लाए। फिर 8वें दिन हमने उसका जो पाथ पूरा गति क्रिया काट का आइटम था सब, वो नदी में हम बहा आए जैसे करा। हम नहीं सुनते तो हम 12 दिन तक पूरा उसकी पूरी क्रिया कांड करते। बाबू धर्म का लड़का है, उसकी आत्मा को शांति मिले बेचारा जहाँ भी है। इसमें मेरे को यही है कि मतलब मेरा लड़का सही सलामत, मतलब जो मेरे को मिल गया, इसमें तो मेरे को खुशी है।
जो ये अपोजिट इन्होंने जो ये कार्रवाई की, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके लिए मेरे को काफ़ी दुख है। और जो मैंने किया वो तो अब आप लोग ही जानो कि मतलब अच्छा किया या मैंने बुरा किया। उसको मैं आया तो उसका मैंने संस्कार भी किया, हर चीज़ वह किया। बच्चा मेरा, लड़का मेरे को पास आ गया तो इसमें मेरे को खुशी है। और जो मिलती जुलती शक्ल होने की वजह से मैं उसको भी लाया, उसमें भी मेरे को कोई ये नहीं है कि मैंने क्या किया, मैंने या अच्छा किया बुरा किया वही भगवान जानता होगा कि बाकी और मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। सोचना मेरे को ये सभापति के थ्रू बाहर से मेरे को सूचना मिली कि मतलब ऐसी ऐसी बात है, नवीन चंद्र भट्ट और धर्मानंद भट्ट शिरपुर बिस्वा मजरा फार्म में वो एड्रेस भी दिया था, इस इलाके में इस नाम का दूसरा आदमी भी नहीं है कोई मेरे अलावा, और मेरा लड़का साल डेढ़ साल से हमारे साथ कोई संपर्क नहीं था उसका है? तो वहाँ से ये मैसेज मिली तो मैंने कहा यही। फिर जब हम वहाँ लाश लेने को गए तो मुही दिखाया तो मिलती जुलती शक्ल मिली उनकी, तो मैं ले आया, उसका अंतिम संस्कार मैंने कर दिया। और जो बच्चा मेरे पास आया उसको देख के मतलब मेरे को काफ़ी अभी शांति भी है, दुख भी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।